जानू, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। तो क्या हुआ, उसे रात को घर बुला लो। पर मैंने तुझे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। क्या हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो किस तरीके की वीडियो होने वाली है। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सम्राट भाई की। आज हम रिव्यू करेंगे, रिएक्शन देंगे उनके चैनल पे, उनके एक विशेष बहुत ही प्यारी वीडियो। हालांकि उनकी सारी वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सम्राट भाई बहुत बड़े एक यूट्यूबर है, तो आज उन्हीं के चैनल का हम रिव्यू करेंगे, उनके एक वीडियो का हम रिएक्शन देंगे किस तरीके की उनकी वीडियो है। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से आज दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वैसे तो हर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पहली बहुत आपके लिए, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, वो ये है कि इस वीडियो को आगे से जो आप जो देखेंगे तो प्लीज़ ईयरफोन या कुछ लगा के जरूर देखेगा। अदरवाइज कोई भी जूता चप्पल डंडा आपको उड़ते हो, आपके सिर पर गिरे आपकी, तो उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं होने वाला, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा एडल्ट होने वाली है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए, आप अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो, उसके बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसको दबा दो। इससे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगी और सारी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं सम्राट भाई के स्टाइल में। जानू, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। तो क्या हुआ, उसे रात को घर बुला लो। पर मैंने तुझे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। क्या? यही यही होता है जब आप काम के सिलसिले में घर से ज्यादा बाहर रहने लगते हैं, और शर्मा जी के लौंडे इस फिल्म में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जय पत्रकाली सरकार, जय पत्रकाली। तो क्या हाल है? सबके जीवन में ना संकट है, दुख है, दर्द है, परंतु सोशल मीडिया का जो दुख है ना, वो भाई साहब कभी कम नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी जैसे ही जाती है, दूसरी बीमारी आने को तैयार हो जाती है। कुछ दिन पहले एक बीमारी कच्चा बादाम के नाम पे परोसी जा रही थी। मतलब क्या पेट नहीं भरा अभी तुम्हारा? कितना कच्चा बादाम खाओगे बे? कुछ तो लिहाज करो मेरे मातर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। मतलब आजकल है ना, लड़कियां बिल्कुल सही खेल रही है भाई साहब। उनको पता चल चुका है कि लौंडों की दुखती रग कहाँ पर है, यहाँ पर है। इतना सुकून आजकल भाई साहब चल ही यही रहा है। क्यों सोफिया जी? सोफिया जी आई नहीं क्या? कोई बात नहीं, आ जाएंगी। तो भाई साहब कन्याओं को पता चल चुका है वायरल होने का तरीका। तुमको डांस आता हो चाहे ना आता हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट हो चाहे ना हो, तुम्हारे कंटेंट बड़े होने चाहिए। तुम्हें पता है वायरल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। आगे चलते हैं। चूंकि लौंडो के पास कंटेंट नहीं होता है, इसलिए वो भाई साहब फिफियाए डोलते हैं। मतलब अब लौंडे वायरल होने के लिए क्या करें, ऐसी हरकत ही करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्या हो रहा है, क्या होगा इस देश का? फिर तुम लोग बोलते हो कि सम्राट भाई वीडियो ही तब डालते हैं जब उनके पास स्पॉन्सरशिप होती है। बस यही इज्जत रहेगी तुम्हारी नजरों में मेरी? बताओ पिछली वीडियो में कोई स्पॉन्सरशिप था? पिछली को छोड़ो, इस वीडियो में कोई स्पॉन्सरशिप है? कभी देखा है मुझको प्रमोशन करते हुए? उम्मीद नहीं थी यार तुम ये बात बोलोगे। वैसे देखा जाए तो कच्चा बादाम कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। मतलब यार इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये वाला सॉन्ग इतना वायरल हो जाएगा। अबे लोगों ने तैयारी कर कर के वीडियो डाली है भाई साहब। अबे इतने लगन से पढ़ाई कर लेते तो साले कहीं जाके पटवारी लग जाते। खली सर कुछ बोलोगे? हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। खली सर विजी चल रहे हैं। वैसे खली सर अपने हैं बढ़िया आदमी। मैं चाहता हूँ खली सर आप ऐसा पाद मारो कि अब अगर कोई कच्चा बादाम पे वीडियो बनाए तो उसके बादाम फट जाएं। क्यों सर जी? एक बात कहो, गांठ बांध लो। सर विजी चल रहे हैं। अबे साले, खैर आजकल है ना सोशल मीडिया पे मुझे छोड़कर कुछ भी वायरल हो सकता है। जैसे कच्चा बादाम आपने देख ही लिया, पुदीना वाला आपने देख ही लिया। अब आपको गली कूचों में कोई भी आदमी कुछ भी बेचता दिख जाए ना, तो बस उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दो, क्या पता अगला ट्रेंड तुम ही ले आओ। सही बता रहा हूँ मैं? अब चाहे आदमी आपको अमरूद बेचता हुआ दिख जाए उसकी वीडियो डाल दो। ये हरी हरी कच्ची कच्ची पीली पीली बाकी बाकी मीठी मीठी गद्दर गद्दर ताजा ताजा नमक लगा के खा जा, इसमें नहीं है किसी का साजा। चाचा वायरल
चल है तू? मुंबई मुंबई कोई फिरकनी बेचता हुआ दिख जाए उसको वायरल कर दो। 3 रुपए की और 3 बातों में अच्छी, और खुश हो जाए चच्ची कहाँ से लाई बच्ची। बात बता रही हूँ सच्ची, तो कलवाणी हंस रही खट्टी। देखिए धर्राएं टे काट रही है ओम फो। ले भैया ओम फो। ओम फो चचा तुम भी वायरल ही हो। कालीन भैया कुछ करो इनका। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। भाई साहब जिस रफ्तार से आजकल ट्रेंड आ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कल को कोई साला हगने बैठेगा ना उसके ऊपर भी इंस्टा वाले ट्रेंड ले आएंगे। ले आएंगे नहीं भाई, ले आए है? ले आए साला, मैं पीछे चल रहा हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ। ये क्या ट्रेंड है बे? कोई साला कहीं भी बैठ रहा, मतलब लोगों का पेट कहीं भी खराब हो रहा। भाई साहब बेचारे रोक नहीं पा रहे हैं और कहीं भी बैठ जा रहे हैं, चाहे पार्किंग हो, मॉल का गेट हो, लिफ्ट हो, चाहे शॉपिंग करते हुए हो, चाहे पेमेंट करते हुए हो, चाहे गेट खोलते हुए हो। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये साली कौन सी बीमारी है जो ग्रुप में ही हो रही है, जिसे देखो वो ग्रुप में बैठ रहा। अबे कोरोना से तेज तो ये इंस्टा वाली बीमारी फैल जाती है। अब मैं तुमको तुमको और तुम सबको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बवासीर एक आम समस्या है। देखो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, आदमी का शरीर है कहीं भी दुख लग सकता है। तुम लोगों का पिछवाड़े में लग गया, इसमें सरकार क्या करे बताओ? इंस्टा वाले भी यार कोई भी ट्रेंड बना रहे, सही बात थोड़ी है। अब कल को मैं हगने के लिए बैठ जाऊँ और तुम मतलब कि ये वाला म्यूजिक लगा के उस वीडियो को वायरल कर दोगे? अबे ये कोई बात है? अच्छा बात नहीं है। गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्यों पूनम जी? लगता है पूनम जी नाराज चल रही हैं। अबे साले पहले क्या होता था ना कि लोग है ना घर के अंदर ही वीडियो बनाते थे, चाहे कैसा भी हकते थे लेकिन घर के अंदर ही हकते थे। अब क्या है कि लोगों में ना लाइक्स और फॉलोवर्स की भूख है ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो अब है ना समय बदल चुका है। अब लोगों ने लाइक्स के चक्कर में ना बाहर हकना चालू कर दिया है। क्या मतलब क्या मिल जाता है भाई ये पब्लिक में करने से? घर में कर रहे थे तो तुमको चुन्ना काट रहे थे क्या? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और सच बताऊँ ना तो वायरल होने के लिए असली मेहनत तो लौंडों को करनी पड़ती है। दिन रात मरवाने के बाद भी ना लाइक्स मिलते हैं ना फॉलोवर्स, परंतु लड़कियों का केस में ना ऐसा नहीं होता है। तो पूनम जी आपको बताएंगे कि इंस्टा पर वायरल कैसे हुआ जाता है। पूनम जी आइए। अरे पूनम जी बस करो, आप तो कैरियर बनवा के छोड़ोगी, इसलिए लौंड बर्बाद चल रहे। मोंटी रॉय कैसे उगा लिया भैया तूने? देखा तुमको जब से बस देखा। अबे हम कंटेंट कहाँ से लाएं? खैर मैं सच बताऊँ ना, जब से इंस्टाग्राम में रील्स का ऑप्शन आया ना भाई साहब, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है। मतलब पहले लोगों को लड़की ताड़ने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता था, परंतु अब ऐसा सीन नहीं है बॉस। अब तो बस मोबाइल में इंस्टाग्राम ओपन करो और अपनी आंखें सेक लो। भाई साहब डॉक्टर को जब फुल बॉडी चेकअप करवाया ना मैंने, तो वो बोलने लगा कि भाई साहब आपकी जो नजरें हैं ना वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा तेज हो गई है। अबे वो उल्टा मेरे से पूछने लगा यार कि ऐसा क्या कर रहे हो आप। अब उस नादान परिंदे को ये क्या पता कि सुबह और रात को सोने से पहले कुछ प्रजनन योग्य मादाओं के सौंदर्य को निहारने के बाद आंखों की रोशनी तेज हो रही है। अब यार देखो मेरी तेज हो गई यार, थोड़ी सी तुम भी कर लो। तेज हो रही है ना वे साला, मेरे संग रहोगे यूं ही मौज लोगे। मैं कंटेंट दिखा दिखा के तुम्हारी नजरें इतनी तेज करवा दूंगा कि तुम पृथ्वी पे बैठे बैठे अप्सराओं का सौंदर्य देख लोगे। क्यों सोफिया जी? आज सोफिया जी आई नहीं है, कहीं गई है क्या? लगता है सोफिया जी नाराज चल रही है। कोई नहीं हम उनको मना कर लाएंगे, उनके बिना भाई साहब गुजारा नहीं है। अबे साले खैर अब तुम जाओ, जो तुम्हें करना वो करो, अपन तो चला रील्स देखने। अपने को आंखों की रोशनी तेज करनी है भैया। अब तुम्हें लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, नहीं हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है करो, नहीं करने का तो ऑप्शन है नहीं, मतलब करो। हम माना कि हमारे पास बड़े कंटेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमको फॉलो नहीं करोगे, वो तो करना पड़ेगा बॉस। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जब्बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। तो ये था सम्राट भाई का इंस्टाग्राम संकट में एपिसोड नंबर 3 वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा। सम्राट भाई के हर वीडियो इतने समर्थ उनके चैनल पे आप जाके
आप रिव्यू कर सकते हो उनके चैनल पे जाके, आप देख सकते हो सारी की सारी वीडियोस तरीके एंटरटेनमेंट होती हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। वीडियो थोड़ा सा एडल्ट है लेकिन आपको पहले से मैंने वार्निंग दे दी थी, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाला जो रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन में जो बेल आइकन का निशान है उसको दबा दो, उससे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगी। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिएक्शन में, किसी नेक्स्ट रिव्यू में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए